भरतपुर से भरतपुर की पहाड़ी में एसीबी ने ट्रैप किया है। पहाड़ी पुलिस थाने का एसआई रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है। 2000 की रिश्वत लेते रमेश सैनी को ट्रैप गिरफ्तार किया गया है। बाइक चोरी से जुड़े केस में ये घूस मांग रहा था। एसीबी डीएसपी अशोक चौहान ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 2000 की रिश्वत लेते रमेश सैनी को गिरफ्तार किया है एसीबी ने। बताया जा रहा है कि बाइक चोरी से जुड़ा हुआ केस था जिसके एवज में ही वो घूस मांग रहा था। एसीबी डीएसपी अशोक चौहान ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें कामयाबी मिली और एसीबी का ये ट्रैप भरतपुर के पहाड़ी में किया गया। पहाड़ी पुलिस थाने का एएसआई है जिसे रिश्वत देते हुए ट्रैप किया है एसीबी ने। 2000 की रिश्वत लेते रमेश सैनी एएसआई है जिसे गिरफ्त में लिया गया है। बाइक चोरी से जुड़े केस में ये घूस मांग रहा था एसीबी डीएसपी अशोक चौहान की ये बड़ी और अहम कार्रवाई है। हालांकि अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है रमेश सैनी को और अब इससे पूछताछ की जा रही है। भरतपुर के पहाड़ी में एसीबी का ये ट्रैप है। एएसआई को रिश्वत देते ट्रैप किया गया। पहाड़ी पुलिस थाने का एएसआई है। 2000 की रिश्वत लेते रमेश सैनी को गिरफ्तार किया गया है। बाइक चोरी से जुड़ा हुआ एक केस था और उस मामले में ये घूस मांग रहा था। 2000 की रिश्वत के साथ इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब इसे पूछताछ जारी है। पहाड़ी पुलिस थाने का एसआई रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ है। और संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन, ये रमेश सैनी है जिसे गिरफ्त में लिया गया, एसआई ने गिरफ्तार कर लिया है, किस तरह से इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? भरतपुर के एसीबी डीएसपी अशोक चौहान, उन्होंने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए जो पहाड़ी थाने के एएसआई है रमेश चंद सैनी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये परिवादी से कई बार रिश्वत की मांग कर चुका था। एक बाइक चोरी से जुड़ा हुआ मामला था और उसके मुकदमे की जांच कर रहा था। आज एसीबी ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कुछ ही देर में एसीबी है उसके घर पे रवाना होगी, घर की तलाशी लेगी। तो वही एसीबी ने कुछ फाइलों को भी यहाँ पे जब्त किया है जो अब एसीबी जांच कर रही है किन किन मामलों में किन किन परिवादी से रिश्वत ले चुका था। ये इसका पहली बार इसने रिश्वत दी है या कई सालों से ये रिश्वत का काम कर रहा था, तो तमाम ऐसे सवाल है जो एसीबी है जो आरोपी से पूछेगी। श्वेता नवीन, बिल्कुल, क्योंकि पूछताछ जारी है तो ऐसे में ही खुलासे होंगे कि आखिर ये कब से रिश्वत का खेल खेल रहा था। लेकिन अगर इस मामले की बात करें, क्या इसने सिर्फ 2000 की रिश्वत मांगी थी या पहले भी इसी मामले में रकम ले चुका है ये? श्वेता, ये लगातार रिश्वत की यहाँ पर मांग कर रहा था और लगातार जो परिवादी था उसने एसीबी में शिकायत दी थी। एसीबी में शिकायत के बाद आज एसीबी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है और 2000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा है। वहीं इस मामले से जुड़ी एसीबी ने कुछ फाइलों को भी यहाँ पर पकड़ा है और उन फाइलों के साथ एसीबी है जो आरोपी से पूछताछ कर रही है। वही इस मामले में एसीबी कई अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है जो इस मामले में जुड़े हुए हैं। चलिए, शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2000 की रिश्वत की रकम के साथ ट्रैप किया, गिरफ्त में है पहाड़ी थाने का एएसआई रमेश सैनी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब इससे एसीबी पूछताछ कर रही है।